नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल एज ए थ्रेडर्स में। दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो बनाया था 23 को, और 24 और 25 को मैंने 24 और 25 फरवरी का वीडियो मैंने जानबूझ के नहीं बनाया था, क्योंकि ये रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसके वजह से मार्केट कभी भी कहीं पर जा सकता है, तो हम जो एनालिसिस करते हैं कोई असर नहीं रहता, इसलिए मैंने जानबूझ के दो दिन वीडियो नहीं बनाया। चलिए देखते हैं मंडे को क्या होता है। इसके लिए हम पहले ये देख लेते हैं कि फ्राइडे को मार्केट में क्या हुआ। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप चेक कर सकोगे कि डाउ जोन्स 2.5% प्लस में क्लोज हुआ है 26 तारीख को। S&P 500 को भी 2.24% क्लोज हुआ है, और नास्डैक करीबन 1.5% में क्लोज हुआ है, और SGX निफ्टी आप 4% में क्लोज हुआ है, यानी 16,920 पे क्लोज हुआ है। तो ये वर्ल्ड मार्केट के हिसाब से हम चेक करेंगे तो सोमवार को मार्केट गैप अप ओपन होने के पूरे पूरी पॉसिबिलिटी है। और निफ्टी कितने पे क्लोज हुआ है हमारा फ्राइडे को, 16,000 वन डे के कैंडल में देख लेते हैं फ्रेंड्स। उसका क्लोजिंग हुआ है 16,660 के करीब, और उसने हाई मारा था 16,750 के करीब। चलिए एक काम करते हैं, अब हम ये सारे लेवल्स को निकाल लेते हैं जो मैंने लास्ट बुधवार को आपको दिए थे। पहले निफ्टी देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगर आप निफ्टी देखोगे तो SGX निफ्टी के हिसाब से 16,900 एक ओपन हो सकती है, यानी 250 पॉइंट ओपन हो सकती है। 16,900 कहाँ पे आएगा हमारा, 16,915 में देख लेते हैं फ्रेंड्स, यानी आएगा ये गैप फिल करने के लिए ऊपर आ सकता है फ्रेंड्स, 16,900 यानी यहाँ पे आएगा। ओके, ये वाला इसको मैं मार्क कर देता हूँ 16,900 पे। इसके ऊपर जाएगा तो मैक्सिमम ये जो गैप पड़ा है फ्रेंड्स 15 मिनट में 17,030 यहाँ तक ये आ सकता है, और वहाँ पे अगर आएगा गैपर ओपन होके और वहाँ पे कोई बेरिस कैंडल बनती है या शूटिंग स्टार नेगेटिव कैंडल बनती है रेड कलर में और 5 मिनट की, और उसके बाद दूसरी कैंडल उसको ब्रेक करेगी डाउन की साइड में, तो आप फुट बाय कर सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऊपर और जाएगा। जाएगा तो भी 17,050 तक जा सकता है यहाँ तक। ये लेवल मैं आपको देता हूँ, दूसरा लेवल ये यहाँ पे हमारा 200 का मूविंग एवरेज है, तो 17,050 तक जा सकता है, और वहाँ से डेफिनेटली वो नीचे आना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, डाउन साइड में टारगेट में वही मिलेगा 16,900, और ये फिर से गैप करेगा हमारा, गैप ओपन होता है तो ये वाला 17,750 ये यहाँ तक भी आ सकता है। दोनों तरफ हमें मूवमेंट मिल सकता है सोमवार को, लेकिन देखते हैं क्या होता है, क्योंकि गैप ओपन होने की पूरे पूरे संभावना है फ्रेंड्स, तो थोड़ा संभल के ट्रेड करना है हमें। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है फ्रेंड्स। बैंक निफ्टी में वन डे के कैंडल में आप देखोगे तो उसका क्लोजिंग हुआ 36,430 के आसपास, और उसने हाई मारा है लास्ट फ्राइडे को 36,684 पे। तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी में मंडे को क्या हो सकता है। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको हो सके तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। मैं ये पूरे पुराने लेवल निकाल लेता हूँ। अब ये कहाँ ओपन हो सकता है, क्योंकि निफ्टी गैप अप ओपन होती है तो बैंक निफ्टी भी गैप ओपन होगी, तो मुझे लगता है ये जो गैप पड़ा है हमारा ये वाला, इसको फिल करने के लिए ऊपर आ सकती है 37,330 पे, अगर ज़्यादा गैप ओपन होता है तो, और अगर उसके ऊपर सस्टेन होती है बैंक निफ्टी तो उसका टारगेट आएगा ये 100 मूविंग एवरेज का है 37,700 के पास, 37,000 करीबन 700 पकड़ लो राउंड फिगर, यहाँ पे बैंक निफ्टी आ सकती है। गैप ओपन यहाँ पे होना चाहिए और यहाँ पे सस्टेन भी होना चाहिए, तभी ये वहाँ तक जा सकती है। अगर ये 5 मिनट में चेक करेंगे हम, तो समझ लो अगर यहाँ पे कोई
फाइव मिनट में ये रहेगा, ये यहाँ से ये जोन जो रहेगा यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनती है, सूर्य स्टार कैंडल बनती है 5 मिनट की या 15 मिनट की और उस कैंडल को ब्रेक करती है, तो अगली वाली जो कैंडल रहेगी उस कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस लगा के आप डाउन के साइड में पुट बाय कर सकते हो। फिलहाल अभी तो मुझे यही लग रहा है कि गैप ओपन होगा, उसके बाद नीचे भी आ सकता है, क्योंकि अभी यूएसए भी बीच में आने की कोशिश करेगा मुझे ऐसा लगता है न्यूज़ के हिसाब से। और रसिया और यूक्रेन के बीच जोरदार युद्ध चल रहा है, यही प्रार्थना करता हूँ कि रूस और यूक्रेन के बीच जो वार हो रहा है वो स्टॉप हो जाए। चलिए देखते हैं, अब लेवल में आपको मार्क करके दे देता हूँ। प्राइस लेवल रहेगा यहाँ पे शायद ओपन होगा 70,000, सॉरी यहाँ पे ओपन नहीं होगा, ये ओपन होगा हमारा यहाँ पे 16,900 पे ओपन होता है, और अगर वहाँ से हो जा सकता है 70,036 तक, और इसको भी ब्रेक करेगा तो यहाँ जाएगा 70,750। और यहाँ पे अगर बेरिश कैंडल बनती है रेड कलर में और उसको दो कैंडल बेरिश कैंडल बनती है, तो उसका पहला डाउन साइड में भी टारगेट आएगा 70,000, और उसको भी ब्रेक करेगा तो दूसरा टारगेट आएगा डाउन के साइड में 16,900, और उसको भी ब्रेक करेगा तो डाउन साइड में आ सकता है 16,750 अगर गैप ओपन हो गए ये करेगा तो। और गैप डाउन ओपन होने की संभावना मुझे नहीं लग रहा है, गैप डाउन ओपन हो सकता है क्योंकि वर्ल्ड मार्केट पूरा पॉजिटिव में क्लोज हुआ है, तो हो सकता है कल एक्सचेंज निफ्टी सुबह में क्या कर सकती है उसके ऊपर मैं वॉच करना पड़ेगा। अगर वो फ्लैट या प्लस में रहेगी तो गैप अप भी ओपन होगा, अगर वो माइनस में चला जाएगा टुमारो तो माइनस में ओपन हो सकता है हमारा भी मार्केट। चलिए देखते हैं, बैंक निफ्टी का लेवल मैं आपको देता हूँ अभी। पे ओपन हो सकता है और वहाँ पे उसको ब्रेक करेगा तो 500 आएगा, मैंने आगे जो बोला वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। दूसरा टारगेट अप साइड में आएगा हमारा 37,600, और अगर इस जोन में कोई नेगेटिव कैंडल बनती है रेड कलर की, दो कैंडल बनती है 5 मिनट की और उसको ब्रेक करेगी तो डाउन के साइड में आ सकता है पहला टारगेट 37,500 पे। अगर डाउन कैंडल बनती है यहाँ पे तो उसका पहला डाउन के साइड में आएगा 37,300 और उसका भी ब्रेक करेगा तो डाउन के साइड में ये जो गैप फिल करने के लिए नीचे आ सकता है ये वाला, तो कहाँ तक आएगा वो 36,700 के पास। ओके फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो एजुकेशन प्रपोज से ही बनाता हूँ, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना हो तो आप फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा ले सकते हैं, और अभी हो सके तो थोड़ा कम ही इन्वेस्टमेंट करना क्योंकि अभी कुछ मार्केट का कुछ भरोसा नहीं है फ्रेंड्स, ये कभी भी कहीं भी जा सकता है युद्ध की वजह से। ओके चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।